हेलो गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइस प्रोटीन एक वाइटल न्यूट्रिएंट है बॉडी की बहुत सी प्रोसेसेस के लिए। ये बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यूज का और इम्पॉर्टेंट है टिश्यूज की रिपेयर और ग्रोथ के लिए। प्रोटीन फ्यूल की तरह भी यूज होता है। जब हम सोचते हैं प्रोटीन के बारे में, जब फर्स्ट सोर्स सबसे पहले हमारे माइंड में आता है वो होते हैं एनिमल सोर्सेज, जैसे कि चिकन या एग्स। हाउएवर प्रोटीन को आप नॉन एनिमल सोर्सेज से भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे 3 नेगलेक्टेड प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड्स के बारे में, जो काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, और चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आप इन्हें कंज्यूम करके इनके प्रोटीन बेनिफिट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 1, किनोआ। किनोआ एक ग्रीन क्रॉप है जो प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स है। ये ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर है और इसका हाइयर फाइबर कॉन्टेंट इसे बाकी ग्रेन से सुपीरियर बनाता है। बाकी नॉन एनिमल प्रोटीन की तरह किनोआ एक ऐसा वेजिटेरियन प्रोटीन है जिसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं। 100 ग्राम ऑफ किनोआ में अप्रॉक्सीमेटली 370 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन के कंपैरिजन अगर हम एनिमल फूड्स के साथ करें तो इसमें थोड़ा कम प्रोटीन होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल फूड्स, बट अगर आप ब्रेड या राइस की जगह इसे कंज्यूम करें देन आप अपनी डेली प्रोटीन इनटेक को बढ़ा सकते हैं। किनोआ के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें तो 100 ग्राम किनोआ में 8 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फाइबर, 58% मैंगनीज, 30% मैग्नीशियम, 28% फॉस्फोरस, 19% फॉलेट, 18% कॉपर, 15% आयरन, 13% जिंक, 9% पोटेशियम और 10% विटामिन B1, B2 और B6 अवेलेबल होती हैं एज पर RDA। इसके अलावा इसमें कुछ अमाउंट में कैल्शियम, विटामिन B3 और विटामिन E भी अवेलेबल होती है। नंबर 2, चिया सीड्स। चिया सीड्स भी काफ़ी अच्छे सीड्स हैं जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में डाइट्री फाइबर, आयरन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक प्रोवाइड करते हैं। इनके साथ साथ ये एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, और आप इन्हें डाइट में ऐड करके अपनी मसल बिल्डिंग रिजल्ट्स या फैट लॉस रिजल्ट्स को एनहांस कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चिया सीड्स में ऑलमोस्ट 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। चिया सीड्स को कभी भी ड्राईली कंज्यूम नहीं करें, आप इसे पहले वाटर में सोक करके मिल्क या योगर्ट में ऐड करके इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। चिया सीड्स के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें तो 100 ग्राम ऑफ चिया सीड्स में 486 कैलोरीज, 6% वाटर, 16.5 ग्राम प्रोटीन, 42.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 34.4 ग्राम फाइबर, 30.7 ग्राम फैट, 17.83 ग्राम ओमेगा 3, 5.84 ग्राम ओमेगा 6 और 0.14 ग्राम ट्रांस अवेलेबल होते हैं। नंबर 3, पीनट बटर। 100 ग्राम ऑफ पीनट बटर में अप्रॉक्सीमेटली 32 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। आप जैसे बाकी प्रोटीन सोर्सेज को कंज्यूम करते हैं वैसे ही आप पीनट बटर को भी अपनी डाइट में ऐड करके एडिशनल प्रोटीन के बेनिफिट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट केयरफुल रहें कि जब भी आप पीनट बटर को कंज्यूम कर रहे हैं देन आप इसे 1-2 टेबलस्पून से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करें, और अगर आप पीनट से एलर्जिक हैं देन इसे यूज़ करना अवॉइड करें। 2 टेबलस्पून पीनट बटर का साइज़ 32 ग्राम होता है और इसके 32 ग्राम सर्विंग से आपको 190 कैलोरीज, 16 ग्राम फैट, 140 mg सोडियम, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम शुगर और 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो गाइस ये थे कुछ 3 बेस्ट फूड्स जिन्हें बहुत से लोग नेगलेक्ट करते हैं और इन्हें अपनी डाइट में ऐड नहीं करते। सो आप इन्हें अपनी डाइट में ऐड करके अपने फिटनेस रिजल्ट्स को एनहांस कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।